आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे मई 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है OnePlus Nord 3। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.74 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इन सभी को पावर देगा MediaTek का Dimensity 9000। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 29,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 मई 2023। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है IQ Z7 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.64 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 782G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 64+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 24,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 31 मई 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है OPPO Find X6 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.82 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+50+50 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 100 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 74,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 मई 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है IQ Neo 7 Racing Edition। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 34,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 मई 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Moto G Play 2023। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का HD+IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ये सभी को पावर देगा MediaTek Helio G37। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 16+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 8,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 मई 2023। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट यूर टाइम।